आप लोगों को दिखाएंगे जो हेबिकस के प्लांट में आप रूटिंग कैसे करेंगे। और अभी आप रूटिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है हेबिकस का टाइम है और इस टाइम में प्लांट बहुत अच्छी ग्रो करती है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिखाते हैं जो क्या क्या करना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रूटिंग कैसे करेंगे प्लांट में वो आज आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं। तो ये मैं पिछले की वीडियो में आप लोगों को मैं वीडियो दिखा चुकी हूँ, और आज हम अदर प्लांट्स में रूटिंग कैसे किए हैं वो आज आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये मैं हेबिकस का प्लांट का स्टेम तोड़ कर लाई थी, इसको मैं बिल्कुल कटिंग नहीं कुछ नहीं की हूँ, और डायरेक्ट ही 1 बोतल वाटर भर दी हूँ और इसमें स्टेम ये देखिए डाल दिए हैं, और इसे 1 मंथ तक इस तरह से छोड़ देंगे। और ये जो आप लीव्स देख रहे हैं, सारे लीव्स सूख कर झर गए थे। मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि डिलीट हो गया है वीडियो, तो मैं डायरेक्ट ही दिखाऊंगी 1 मंथ आफ्टर। तो ये देखिए अभी 1 मंथ हो गया है, आज हम गमला में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है प्लांट में, और ये देखिए न्यू लीव्स भी आ गए हैं इसको बहुत सारे, और इसको मैं गमला में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और मैं ये जो खाद और मिट्टी इस तरह का कलर देख रहे हैं, मैं पिछले की वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, घर में ही बनाई हूँ मैं। तो वीडियो आप लोगों को आज की कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।